हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पल क्रिएशन। आज हम बच्चों के फेवरेट कुरकुरे बनाएंगे। इसके लिए हमने 3/4 कप राइस का आटा लिया है, 2 टेबलस्पून चने का आटा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ये मैंने ऑर्गेनिक कॉर्नफ्लोर लिया है, और 2 टेबलस्पून मैदा, स्वादानुसार नमक, और ये कुरकुरे के ऊपर से सीजनिंग करने के लिए चाट मसाला और रेड चिली पाउडर। ये हमने 2.5 कप पानी बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें से आधा पानी निकाल लेंगे। इसमें हम नमक डाल लेंगे। मेरे पास ये राउंड स्पून आता है, वो है। आप ये नहीं रहेगा तो आप बेलन की पिछली साइड से भी कर सकते हैं या सादे स्पून से भी कर सकते हैं। अब हम इसमें आटा डाल लेंगे। और इसे हम इसमें पानी और डाल लेंगे। पूरा ही पानी हमने यूज कर लिया है। इसे ढक के 2 मिनट के लिए एक स्टीम निकाल लेंगे। इसमें हमने और आधा कप पानी डाल लिया है। इसे वापस से थोड़ी देर रख देंगे। आटा अच्छे से पक गया है। अब हम इससे कुरकुरे बनाएंगे। कुरकुरे बनाने के लिए हमने ये पाइपिंग बैग लिया है, या आप कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन रहती है उसे एक तरफ होल करके भी बना सकते हैं। मैंने इसके एक तरफ होल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एकदम पूरा नहीं भरेंगे। और एक साइड में हम ऑयल गरम करने भी रख देंगे, क्योंकि हमें इसे तलना पड़ेगा। ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम ये चॉपिंग बोर्ड पे कुरकुरे निकाल लेंगे। इसे हम छुरी से ऐसे कट कर लेंगे। हम इसे ऑयल में डाल लेंगे। आज को हमें मीडियम आंच पर ही इन्हें तलना है। हमें इन्हें मीडियम आंच पर ही तलना है ताकि अच्छे से कुरकुरे बने। कुरकुरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाला है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अगर हो तो वो निकल जाए। इसमें ये दूसरा वाला बैच डाल लेंगे।
इसे हमें थोड़ी देर के लिए टच नहीं करना है, बाद में हम इसे थोड़ा अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे और इसके ऊपर मसाला कोट कर देंगे। कुरकुरे को हम बाउल में डाल लेंगे, इसके ऊपर चाट मसाला और रेड चिली पाउडर डाल लेंगे। आपके पास टोमेटो पाउडर, पुदीना का पाउडर अगर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसे इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे कुरकुरे रेडी हो गए हैं।